मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों होती है शिक्षकों के लिए, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी ये जो सेवाकालीन जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यह अध्यापकों को सेवा, यह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है अध्यापकों के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है तथा इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है इनको, क्योंकि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत या इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जो शिक्षकों के जो है शैक्षिक जो गतिविधियां है या नवीन जो शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है तथा नवीन टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ा जाता है। और अब इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इसकी जो आवश्यकता है, सर्वप्रथम इस प्रशिक्षण की आवश्यकता सर्वप्रथम सन 1904 में लॉर्ड कर्नल्स लॉर्ड कर्नल्स रिसोल्यूशन लॉर्ड कर्नल रिसोल्यूशन द्वारा मान्यता सर्वप्रथम इसको प्रदान की गई। यानी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सर्वप्रथम मान्यता 1904 और लॉर्ड कर्नल रिसोल्यूशन द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई तथा प्रदान कर इस शिक्षा नीति से, जो हमारी शिक्षा नीति थी, इसे शिक्षा नीति, हमारी जो शिक्षा नीति थी उस शिक्षा नीति में इसको सम्मिलित किया गया। और 1953 में भारतीय सरकार द्वारा जो है मुदालियर कमीशन, उस समय यह कमीशन आया था, जो मुदालियर कमीशन था, उस मुदालियर कमीशन की नियुक्ति की गई तथा इसमें विशिष्ट संस्तुतियां, यानी इस कमीशन को नियुक्त करने के बाद इसमें जो इनकी विशिष्ट संस्तुतियां था, जो विचार थे, उन विचारों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अपने अपने विचारों को सभी ने सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके यह आवश्यकता महसूस की गई कि ये जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। यस, इसलिए आवश्यक माना गया कि यह सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक है उनके लिए स्थापित किया गया, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक, यानी माध्यमिक स्तर तक के जो शिक्षक थे उन शिक्षकों के लिए इस प्रशिक्षण की इस प्रशिक्षण की को स्थापित किया गया। और एनसीईआरटी ने कक्षा शिक्षा में गति प्रदान करने के लिए, यानी जो एनसीईआरटी है, इन्होंने कक्षा की शिक्षा में गति प्रदान करने के लिए एक्यूटेशन सर्विस विभाग एक्यूटेशन सर्विस विभाग द्वारा प्रशिक्षण की उन्नत व्यवस्था की गई तथा स्वरूप प्रदान किया गया कि शिक्षकों के लिए किस प्रकार का यह प्रशिक्षण होना चाहिए। और उसके पश्चात जब इस विभाग द्वारा
जब इसका स्वरूप प्रस्तुत किया गया तो उसके पश्चात राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य में सन 1963 में राज्य सरकार ने अपने अपने राज्यों में 1963 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई और वर्तमान में SIE राज्य शिक्षा संस्थान और SCERT राज्य शिक्षा अनुसंधान और अध्यापक प्रशिक्षण परिषद अध्यापक प्रशिक्षण परिषद ने प्रदेश स्तर पर सेवाकालीन प्रशिक्षण देने का मुख्य जो अभिकरण या एजेंसी बोल सकते हैं वह एजेंसी बनाई तथा सेवाकालीन जो शिक्षक है उन शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था की गई। इसी आधार पर प्रत्येक राज्य पर जो कि सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है, जिसके माध्यम से प्रशिक्षण उनको दिया जाता है, वह है प्रत्येक जिला स्तर पर जो है डाइट प्रत्येक जिला स्तर पर डाइट डाइट से संबंधित केंद्र खोले गए तथा जो कि जिला स्तर पर कार्यरत है और ये जो संस्थाएं है ये संस्थाएं प्राथमिक स्तर तक के जो अध्यापक है ये संस्था प्राथमिक स्तर पर के अध्यापक और प्रधानाध्यापक और जो प्राथमिक स्तर तक के जो प्रधानाध्यापक है उन प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध अपने स्तर पर करता है तथा इनको प्रशिक्षण देता है और इनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। यद्यपि यह माना गया है कि सेवाकालीन और सेवापूर्व जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था जो है डाइट संस्थानों द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर संचालित होती है, डाइट संस्थान द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है
और उनके लिए जो योजना की आवश्यकता और क्रियान्वयन की आवश्यकता और नियमावली जो नियम है उन नियमावली का जो है आंतरिक व्यवस्था प्रणाली का की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए वास्तविकता में सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था किसी भी अध्यापक को शिक्षण व्यवसाय को अपनाने तथा उसे पूर्ण बनाने के लिए उनको सेवाकालीन तथा सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वह अपना जो शैक्षणिक जो कार्यक्रम है उन शैक्षणिक कार्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण सुधार कर सके। उनको वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उनमें उन शिक्षण विधियों का ज्ञान करवाया जाता है, उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान करवाया जाता है जिसके माध्यम से बालकों के लिए जो शिक्षा शिक्षक द्वारा दी जाती है वह सैद्धांतिक न होकर एक व्यवहारिक तरीके से उनको ज्ञान प्रदान कराया जाता है। और ये जब होगा जब शिक्षक स्वयं उनका प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, शिक्षक स्वयं सीखेगा, तभी वह विद्यार्थियों को उसका ज्ञान प्रदान कर सकता है। अब जब सेवाकालीन प्रशिक्षण में जो आवश्यकता को जो पर विचार किया गया तो इसमें विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को सम्मिलित किया गया जिसके आधार पर इस प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी। इसमें सबसे पहले अब इसकी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रकार के बिंदुओं पर विचार किया गया जिसमें सबसे पहले है ये जो प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम होते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से इस पर विचार किया कि ये कार्यक्रम प्रत्याशित अध्यापक तैयार करते हैं। यानी इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वह जो है प्रत्याशित क्या अमार्गदर्शी अध्यापक तैयार करता है जो कि शिक्षा व्यवसाय के लिए अपूर्ण है। यानी जो शिक्षा व्यवसाय के लिए अपूर्ण है उन शिक्षकों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से जो है तैयार किया जाता है। यदि जैसे शैक्षिक वातावरण में सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्ति नहीं की जाती है तो सामाजिक राजनीतिक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में लाना किसी भी प्रकार संभव नहीं होगा, क्योंकि जब तक जो है शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक उसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना संभव नहीं होगा। और इस प्रकार सेवा पूर्व या सेवाकालीन जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बहुत ध्यान दिया गया और उनके लिए आवश्यक माना गया। इस आधार पर वास्तविक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है इन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर परिपक्व अध्यापक शिक्षा हेतु शिक्षक तैयार किए जाते हैं। यानी इसके लिए जो है
उनको प्रशिक्षण दिलाकर जो है अध्यापकों को तैयार किया जाता है। अब चाहे वो उनको सेवा पूर्व चाहे बीएड करवाए, एसएससी करवाए, एमएड करवाए, इस तरीके के कोर्सेज करवाए, और सेवा कालीन के अंतर्गत जैसे विभिन्न प्रकार के इनके कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज के बेस पर उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें जो है शिक्षक जो है कार्यरत अपने पद पर कार्यरत रहते हुए इस प्रकार के प्रशिक्षण को प्राप्त करता है। उसके बाद है दूसरा जो है वह अध्यापक जो प्रारंभ वह अध्यापक जो प्रारंभ में अध्यापन कार्य करता है, प्रारंभ में अध्यापन कार्य करता है, प्रारंभ में अध्यापन कार्य करता है, उसे उचित निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है, उसे उचित निर्देशन और परामर्श, उसे उचित निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है, जिससे वह पुष्टिकारक संस्कृति को विद्यालय समस्याओं के समाधान में अनुप्रयोग या प्रयोग कर सके, तथा इसके माध्यम से जो है अध्यापक पुरातन ग्रंथों में बदामा रहकर जो नवीन जो ज्ञान है उस नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सके। उसके बाद तीसरा बताया है ये जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है वह अध्यापकों के लिए आवश्यक है, यानी सेवाकालीन जो सेवाकालीन जो प्रशिक्षण है वह अध्यापकों के लिए आवश्यक है, केवल इसलिए नहीं कि अध्यापक अग्रिम विषय ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, यानी जो उनका जो विषय है उस विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको इस प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो नवाचार के आधार पर जो शिक्षा है, यानी नवाचार नवाचार के आधार पर जो शिक्षा है उस नवाचार के आधार पर शिक्षा को ग्रहण करना तथा विद्यार्थियों को नवाचार से संबंधित शिक्षा से जोड़ना, इसलिए जो है ये जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि विद्यार्थियों के लिए उनकी जो शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं है उन समस्याओं को शिक्षक दूर कर सकता है। उसके बाद इसके माध्यम से जो है शिक्षक द्वारा जो है उनकी जो कोई भी अध्यापक अपनी शिक्षण विधि और शिक्षण जो सामग्री है उस सामग्री का उपयुक्त रूप से रोचक तरीके से उसका उपयोग करके उस अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है। इसमें वह कई प्रकार की रोचक पूर्ण शिक्षण विधियों को शामिल करता है, सम्मिलित करता है, तथा उनको यह सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हम अपना जो शिक्षण कार्य है उस शिक्षण कार्य को रुचिकर बना सके, प्रभावकारी बना सके, जिससे कि विद्यार्थी हमारा हमारे शिक्षण कार्य में रुचि ले सके। तो इस प्रकार जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता
के कार्यक्रम चलाए गए और चलाए जा रहे हैं वर्तमान समय में भी, जिससे कि शिक्षक जो है अपने शिक्षण कार्यों को रुचिकर बना सके, उसमें नवीन विधियों को जोड़ सके, शिक्षण विधियों को जोड़ सके। अब है आपका ग्रह कार्य सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों आवश्यक है समझाएंगे। शिक्षक के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्यों आवश्यकता है, आवश्यकता को समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तथा इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।